नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। थाना वेदपुरा क्षेत्र के अंतर्गत सेंट्रल जेल मोहल्ला इटावा के सामने स्थित ग्राम जैतिया में एक किसान हरनाम सिंह के घर में देर रात्रि एक खतरनाक मगर घुस गया, जिसकी लंबाई 9 फीट व उम्र लगभग 1.5 से 2 वर्ष रही होगी। देर रात्रि लगभग 11 बजे वन विभाग स्थानीय पुलिस द्वारा जनपद के वन्य जीव विशेषज्ञ सर्प मित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी को घर में मगर के घुसे होने की सूचना दी गई। तब उनकी सलाह पर देर रात्रि में रेस्क्यू को टालकर मगर को घर का दरवाजा बंद कर घर में ताला लगाकर सुरक्षित रहने की सलाह दी गई। तड़के सुबह होते ही 6 बजे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर कठिन रेस्क्यू किया। तब लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद उस बेहद गुस्सैल मगर को बिना किसी नुकसान पहुंचाए ही कमरे से सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित रूप से पकड़कर वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात उसे प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी अतुल कांत शुक्ला के निर्देश में राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में ले जाकर छोड़ दिया गया। जनपद इटावा में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रही संस्था ओशन के महासचिव वन्य जीव विशेषज्ञ सर्प मित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज रेस्क्यू किए गए इस खतरनाक प्राणी का सामान्य नाम मगर है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्रोकोडाइल पालोस्ट्रिक्स होता है। इसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल या मार्स क्रोकोडाइल भी कहते हैं। रेस्क्यू के समय भूखा होने की वजह से वह बेहद ही गुस्से में था। निश्चित रूप से भोजन की तलाश में ही वह भोगनीपुर नहर से भटक कर गांव में घुस गया। किसान हरनाम सिंह ने बताया कि घर में जब हम सभी सो रहे थे तभी यह सीधा हमारे कमरे में चारपाई के नीचे आकर बैठ गया था, जिसे देखकर हम लोग डर कर कमरे में बाहर भागे। तब पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस सहायता के लिए आई, लेकिन रात्रि में उसे कमरे में बंद ही करना पड़ा। मगर के रेस्क्यू में वन विभाग इटावा के उप प्रभागीय वन अधिकारी संजय सिंह व वन क्षेत्र अधिकारी लखना रेंज विवेकानंद दुबे, क्षेत्रीय वन अधिकारी वाइल्ड लाइफ हरिकिशोर शुक्ला, वन दरोगा सफाई श्री निवास पांडे, वन रक्षक सचिन कुमार यादव व पुलिस विभाग से वैदपुरा थाना प्रभारी राजीव यादव व उनकी समस्त सहयोगी टीम उपस्थित रही। जीवन 24 के लिए इटावा से कुलदीप दुबे की रिपोर्ट। जी, ये देखिए बैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंट्रल जेल जो है मोहल्ला, वहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ भोगनीपुर नहर है, यहाँ पर ये जैतिया गांव है। जैतिया गांव में रात को सूचना आई थी लगभग 10:30 बजे और ये बताया गया था कि घर में एक मगर घुस गया है और लगभग 6 फुट लंबाई बताई गई थी, जो कि अभी देखा है तो लगभग 8 फुट के आसपास की लंबाई है। और ये जो है जुवेनाइल लग रहा है, एडल्ट अभी नहीं है। उम्र इसकी लगभग 1.5 से 2 साल के लगभग मुझे प्रतीत हो रही है। और गांव वाले बहुत भयभीत थे। यहां से थाना प्रभारी जी का भी हमारे पास फ़ोन गया था रात को, लेकिन चूंकि रात इतनी ज़्यादा हो गई थी, 10:30-11 बज रहा था, तो रेस्क्यू करना संभव नहीं था अंधेरे में, क्योंकि ये बड़ा हमलावर है, एग्रेसिव था। अभी भी इसने कई बार काटने का प्रयास किया है, लेकिन इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, लगभग हम 1 घंटे से इसके रेस्क्यू में लगे हुए थे और कुछ लोगों के सहयोग से हमने इसको पकड़ा। और गांव वाले काफ़ी शोर मचाए थे, यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, यहाँ पे सुबह से मजमा लगा हुआ था। अभी जो है वन विभाग भी हमारे साथ आ चुकी है टीम और पुलिस विभाग भी हमारे साथ में है। ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा दहशत थी, जो ख़त्म हो गई है रेस्क्यू के बाद। तो अब इसको कहाँ छोड़ा जाएगा, क्या इसका रहा? देखिए, ये जो नहर है भोगनीपुर की, यहाँ से कहीं से ये भोजन की तलाश में यहाँ पर आया है। निश्चित तौर पे इसको भोजन नहीं मिला है कहीं पर, और ये भोजन की तलाश में कोई बकरी या भेड़ जो भी इसके आसपास दिखती है उनको खाने आया था। और यहाँ पर चूंकि अभी मैंने देखा सुबह तो बकरियाँ बंधी हुई थी, निश्चित तौर पे बकरी खाने आया था, लेकिन डर की वजह से ये कमरे में घुस गया। जब कमरे में घुसाया तो ग्रामीणों ने इसका हैंडल लगा दिया। थाना प्रभारी जी का फ़ोन आया था तो मैंने कहा रात को ताला बंद कर दीजिए, सुरक्षित रहेगा, गाँव भी सुरक्षित है। इसको मुझे लग रहा है कि चंबल में या फिर यमुना में वन विभाग के सहयोग से छोड़ दिया जाएगा प्राकृतिक वास में। जी, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है ये, और मगरमच्छ इसको कहते हैं। और ये चूंकि वैसे तो चंबल में मिलते हैं, चंबल में घड़ियाल भी है, मगर भी हैं, तो ये वही प्रजाति है जो हमारे यहाँ चंबल में मिलती है और यमुना में भी है।
तो क्या ये नहर से है? हाँ, ये भोगनीपुर की जो नहर है वहाँ से कोई खंदा कटा होगा या कोई जगह कटी होगी पानी की, वहाँ से ये गांव में चढ़ाया है। हाँ, सेंट्रल जेल बिल्कुल बगल में बनी हुई है। वो थोड़ा गनीमत ये रहेगी, गांव बीच में पड़ता है, नहीं तो ये सीधा जेल में प्रवेश कर जाता कहीं ना कहीं।